आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज के किसी मुख्य खबर की ओर। झारखंड सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर गुमला जिला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर 60 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक के परिसंपत्ति का वितरण किया। कार्यक्रम में कुल 2068.0 लाख रुपए की लागत की योजनाओं का शिलान्यास एवं 155.48 लाख रुपए की लागत वाली योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसके बाद 4 आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपा। JSLPS द्वारा पलाश मार्ट का उद्घाटन किया गया। गुमला एवं सिसई विधानसभा क्षेत्र के विधायक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान COVID-19 के मानकों का भी अनुपालन किया गया। बताते चले कि यह कार्यक्रम अबुआ राज का साल एक शुरुआत अनेक के थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी विभाग के द्वारा लगाए गए स्टॉल को विधायक व उपायुक्त ने निरीक्षण कर जानकारी ली। वहीं सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम के समापन के बाद जिला स्तरीय भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर 2823 लाभुकों के बीच कुल 60 करोड़ 60 लाख 18,186 रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में आयोजित जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम में गुमला विधायक भूषक तिर्की, सिसई विधायक जिगा सुरसारन होरो, नगर परिषद अध्यक्ष दीप नारायण उराव, उपाध्यक्ष नगर परिषद कलीम अख्तर सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। झारखंड के गुमला से अजित सोनी की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का। सरकार का गठन हुआ और सरकार ने आज हमारे चतुर्थ बार ये COVID-19 का आगमन हुआ और COVID-19 के आगमन में आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा राज, छोटी जिला बड़ी जिला का राज, इस इतने बड़े जिला इतने बड़े राज को चलाना बेहद संसाधन है। क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री अपने भाषण में कह रहे थे कि पूर्व की जो सरकार थी, पूर्व की सरकार ने इस राज के पूरे खजाना खाली करके खजाने की चाबी हमारे हाथ में सौंपने का काम किया। आप समझ सकते हैं इस राज के खजाने के बगैर इस राज को चलाना कितना मुश्किल था और उसके कदर में भी हेमंत सोरेन ने हिम्मत नहीं हारा और हिम्मत नहीं हारते हुए इस राज की बागडोर अपने हाथों में लेकर के इस राज के पूरे 24 जिला के अधिकारियों के भरोसे, इस राज के पूरे आम जनता के भरोसे इस राज की बागडोर को आज एक साल का खींच करके 19 दिसंबर एक साल पूरा जीवन किया है। और राज्य की तुलना में हमारे राज्य का स्तर बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है और कोरोना योद्धा के रूप में देश की सरकार ने इसको सम्मानित करने का भी काम किया। कोरोना